रुको रुको दोस्तों, ये है असली जर्मन शेफर्ड। आज मैं लाया हूं आपके पास असली जेन्युइन पुराने जर्मन शेफर्ड। क्या है हिस्ट्री इसकी, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से कहां से आई है जर्मन शेफर्ड और क्या होता है, इनकी खासियत क्या होती है, सारा कुछ समझते हैं इस वीडियो को। पसंद ना स्किप कर देना भाई, बड़ी मजेदार होने वाली है ये वीडियो। आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, जब जर्मन शेफर्ड ओरिजिनल ब्रीड थी तब ये स्टेट हुआ करती थी, देख रहे हैं स्टेट होते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इनकी इन ब्रीडिंग कराने लग गए और इनका ना नाम खराब हो गया, क्योंकि तो जब नाजी जर्मनी हुई, हिटलर का हुआ, तो वहां ना एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई तो ये इनकी क्वांटिटी कम होने लग गई। तब एक वॉन स्मिट्स करके आदमी था, उसने क्या करा, ऐसे 200 कुत्ते लिए और अपने फार्म में डाल लिए, तो उसको उसने बाहर ब्रीड नहीं होने दिया। तो धीरे धीरे जो उनका करेक्टरिस्टिक थी, जो असली जर्मन शेफर्ड है, पहले हम एल्सेशियन कहा करते थे, एल्सेशियन जब कुत्ता होता था, सीधे होते थे, रफ एंड टफ होते थे, कहीं भी जा पाते थे, वो धीरे धीरे ब्रीडर ने टेढ़े 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 करने शुरू कर दिए, तभी इनको डीडीआर जर्मन शेफर्ड कहते हैं। ये ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड है, जैसे स्टार्टिंग में शुरू हुए थे वो वाले जर्मन शेफर्ड है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनको ब्रीडिंग करा करा के थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी आप देखें शोलाइन इनसे बड़े मिलते हैं शोलाइन, उसके बाद मसल कम हो गई है, लॉन्ग कोट डबल कोट सब आ गया है। धीरे धीरे ये पहले रफ एंड टफ थे, वो क्लासिक जो ना कलर था ग्लो, जो टैन और ब्लैक जो चलता है आजकल, जो सारे जर्मन शेफर्ड में दिखता है, वो इनका कलर क्लासिकल नहीं था। क्लासिक कलर ये तीन कलर में आते हैं, ऑल ब्लैक, एक ये बाय है इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर के इनके पैर है, और ये कलर है सेबल, इसको सेबल कलर कहते हैं, ये दोनों बीचेज हमारी दोनों सेबल कलर की हैं। ये कलर आता है इनका, जो क्लासिक हम देखते हैं जर्मन शेफर्ड जो ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं, क्लासिक होते हैं, वो शो लाइन के लिए ही ब्रीड करे गए हैं, वो जनरली आपको वर्किंग लाइन में नहीं दिखते करते। ये तीन मोस्ट कॉमन कलर है, दोनों की दोनों हिप डिस्प्लेसिया एक जर्मन शेफर्ड में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पर अगर मैं वो बोलूंगा, अगर शोलैंड में मानो 100 में से 2 कुत्तों में होती है, तो इनमें से वो 100 में से आधे कुत्ते में होती है, ये फर्क आता है। उसके बाद जैसे जैसे कुत्ते टेढ़े करे हैं ना, तो पीछे लेग और छोटे हो गए हैं। ये देखिए कितना स्टेबल कुत्ता लग रहा है आपको, फ्लैग लाल लोग देख के ये जरूर बोलेंगे ये तो गलिया कुत्ता लग रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। ये एक अलग ही इनके टेम्परमेंट होता है, उनसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग, तो एक्टिव होने के कारण इनमें थोड़ी ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। ये डॉग्स अभी भी बाहर के जितने भी आर्मी और आपके पुलिस वर्क हैं, ये डॉग ज्यादा प्रेफर होते हैं, और इनकी थोड़ा कॉस्ट करती भाई ज्यादा भी होती है। घर में घर वालों को कुछ नहीं कहता, वैसे बहुत फ्रेंडली डॉग है, पर हाँ सिक्योरिटी वाइज बहुत है। अभी आप देखिए ना ये क्या कर रहा है, ये अगर आप थोड़ा कैमरा करेंगे तो ये बस ये वो दो हाँ वो कड़कनाथ घूम रहे हैं उनकी तरफ है, ये तो छोड़ते कड़कनाथ तो खाए काटेगा, ये पकड़ लेगा दो मिनट में पकड़ लेगा। कलर कार्तिक भाई बेसिकली तीन आते हैं, एक है पूरा ब्लैक, एक है ये सेबल कलर, देखिए ये सेबल कलर है तो वो भी दिखाना, ये सेबल है, खड़ा करना इसको छोटू, खड़ा करो, ब्लैक कलर, ये बाय है, ये नीचे ब्राउन है ऊपर ब्लैक है, और ये देखो ये क्लासिक सेबल कलर है, बिल्कुल क्लासिक सेबल कलर है। दोस्तों अगर आपको कुछ इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता लग सके आप कितने समझदार हो। अपने राय जरूर देना, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि आपको क्या नॉलेज है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।